जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। आज पश्चिम बंगाल के नौजवान, यहां के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, दीदी बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है, उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया। आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना। बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई। आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। बहनों और भाइयों, मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। साथियों, ये संयोग ही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले मैं बंगाल की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने आया हूं। ये वो धरती जिसने मां शारदा देवी, मातंगिनी हाजरा, रानी राशमोनी, प्रीति लता बादेदार, सरदार देवी चौधरानी, कामिनी राय जैसी अनेक अनेक होनहार बेटियां भारत को दी। ये मेरा सौभाग्य है कि बीते 6 साल में केंद्र सरकार की हर योजना के केंद्र में हमारी बेटियां रही है, हमारी बहनें रही हैं,
हमारी माताएं रही हैं। आज गरीब को अपना पक्का घर भी मालकिन के नाम से ही मिल रहा है। घर घर शौचालय बने, इज्जत घर बने तो बहन बेटियों को ही सम्मान मिला, उनको तकलीफ से मुक्ति मिली।